ये टमाटर को गोल गोल सा काट लिया गया है, और काटने के बाद रोटी पे रख के जो रोल है, रोटी पे रखने के बाद यहाँ पे टमाटो केचप के साथ इसे इस तरीके से डेकोरेट कर दीजिए, और बच्चे खाने के लिए गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बारिश में। बारिश में भीगने नहीं आई हूँ, मौसम का मज़ा लेने नहीं आई हूँ। यहाँ क्या हुआ, छत पे बच्चे खेलते हैं तो कूड़े हो ही जाते हैं, सभी की छत पे हो जाते होंगे, तो यहाँ पे नाली पे वो रुक जा रहे थे जिसके कारण नाली जाम हो जा रहा था। तो बारिश का पानी सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, तो मुझे देखने से लगा कि नीचे आ रहा था, मैं आ गई ऊपर नाली पर से कूड़ा हटाने। तो मैं सोची कुछ क्लिप आप लोग को भी दिखा दूँ, क्या मज़ा आ रहा, ऐसे तो भीगने को मिलता तो काफ़ी मज़ा आता। यहाँ मैं बहुत सैड हो चुकी थी इसलिए इस तरीके से मेरा लुक आप लोग को दिखा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज शाम का 6:30 बजे और मौसम हो गया बारिश का, तो अभी जस्ट मैं छत पर से भीग के आ रही हूँ, इसलिए मैं पहन रही हूँ नाइटी, क्योंकि मैं चेंज कर दी हूँ कपड़े, क्योंकि पूरी भीग चुकी थी इसीलिए। तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग से बातें। क्या हो रहा है, बच्चे सब ऊपर गए हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं, बट बाबू को मैंने नीचे बुला लिया है क्योंकि वो भीग जाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए मेरा बच्चा यहाँ पे आ गया है, नहीं जाता, बहुत बच बच के रहता है। तो बारिश का मौसम हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मौसम। मस्ताना मौसम, और मौसम जब इस तरीके का होता है तो मेरा तो कुछ अलग खाने का मन करता है। मैं बनाऊँगी भी, ज़रूर से बनाऊँगी। क्या बनाऊंगी देखती हूँ, पहले तो सेवैयाँ बोल दी हूँ पापा जी से, वो तो ले ही के आएंगे, और मैं कुछ और करती हूँ, लेकिन मीठा मीठा आम भी हो जाएगा, सेवैयाँ भी हो जाएगी। क्या क्या खाया आप, तो बिना मन खाए मानता ही नहीं है। आज मेरी धनो भीग गई है, बहुत दुख कर दी, बारिश में गई थी पापा के लेके के, तो अभी और मैं भगवान की पूजा भी नहीं हो रहा आज। तो चलिए अब चलते हैं काम, किचन से स्टार्ट होते हैं। 6:30 बज गए हैं और मेरे काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी मेरे बर्तन धुलना है, फिर दूध रखना है, तो मिलते हैं आप लोग से। क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ आज नाइट का ही शेयर कर, आज रात का ही मैं भोजन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इसलिए क्या बना रही हूँ रात को, कुछ तो बनेगा बनेगा। ये देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या होते हैं नॉन वेज मीट मुर्गा लोग कहते हैं ना, क्या वो फेल हो गया। यहाँ गजब की ये सब्जी बन रही है, और यहाँ पे मसाला फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मेरा सूरन आलू हो चुका है। तो चलिए फटाफट पहले मसाला सर डाल के बना देती हूँ। तो आलू भगवान, ये मेरी सेवैयाँ जो है बन के तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी, देखने के खाने का मन कर रहा, फटाफट आ जाइए। केसर वाली यहाँ पे मेरी जो सब्जी थी सूरन की, देख लीजिए, वाह, मैं इसे थोड़ा सा चलाती हूँ, अभी चलाई भी नहीं हूँ, ये देखिए, वाह, खाने का तो मन कर ही देगा, आ जाइएगा खाने भी, वाह। इधर है करेला, बस पापा जी के लिए, ओके। इधर ये, इधर शिमी, ये आटा गूंथ के रखा हुआ है, इधर मैं हूँ किचन में अपने किचन की, क्या हूँ, कुक, आई एम कुक। तो यहाँ पर मेरे बड़े बड़े खाना बन गए हैं सारे, अभी पूरी तरह बाकी है, तो सारे अच्छी तरीके से जो रेसिपी नहीं, जो हमारे आज के डिनर होंगे वो आप लोग के साथ शेयर होंगे अच्छे तरीके से, क्या क्या मैंने बनाए हूँ, क्या बनाई हूँ, हाँ सारी चीज़ आम भी रखूँगी इसमें। तो चलिए अभी जब पूरा हो जाता तो मैं दिखाती हूँ, अभी मैं सब्जी बना के, सेवई बना के, करेले की सब्जी बना के, आटा गूंथ के, इतना सारा काम करके रख चुकी हूँ, तो मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे खाने जो बन रहे थे भोजन डिनर रात के, वो तैयार हो गए, सेवैयाँ थी, सूरन की सब्जी, पूड़ी, यहाँ आम, तो यहाँ पे आम भी है, और मैं पूड़ी मेरी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हम औरतें जब लेट खाते हैं खाना ना, लेट खाना ही रहता है सबको खिला के। तो यहाँ देखिए मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी मेरी बेटी, तो मैं अभी बेटी जो लगा रही हूँ उसका भी रिकॉर्डिंग है, उसको भी दिखा रही हूँ आप लोग को। हेलो, हेलो गाइस, ये मेरी दीदी
मम्मी है ही। और ये मेरी मम्मी दीदी जी मेहंदी लगा रही है मुझे। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी सबसे छोटी बहन है जिसका नाम है बेबो। मेरी सबसे छोटी बहन है, मेरे से भी छोटी है, श्रेया दीदी से भी छोटी, सबसे छोटी है ये मेरी। हाँ गुड, वेरी गुड। फोटो खेल तो गाइस यहाँ मेरे पूरे बाहों से लेके मेहंदी स्टार्ट हो गई है। लग रहा है मेरी ही सगाई फिर से होने वाली है क्या। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ मेहंदी लग के तैयार हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कब सूखता है कैसे होता है। तो गाइस अभी मैं आ गई थी छत पे, तो मैं सोची चलो आप लोग से बातें भी करना स्टार्ट कर दूँ और मैं आई छत पर हवा लेने। बट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है और आज मैंने जो बता रही थी मैं कपड़े रखी थी देने के लिए, मैंने गरीब बच्चों में दान करने के लिए, वो कपड़े मैं यहाँ से दे चुकी हूँ। झोला हट चुका है, आज सुबह ही सुबह दान पुण्य का काम स्टार्ट कर दी दे दी। तो चलिए होता है, कम से कम हम इधर उधर फेंकते हैं, उससे बढ़िया है कि कुछ लोग उसे यूज कर ले रहे हैं, कोई पहन के उसे खुश हो जा रहा, तो इससे बड़ी क्या चीज़ें चाहिए और क्या चाहिए। कोई मैं खरीद के न्यू तो नहीं दी हूँ, दान तो वो होता है जब आप खरीद के न्यू दीजिए, अच्छे से दीजिए, वो चीज़ें हैं। बट हमारा पुराना छोटा बच्चों का था तो मैंने दे दिया, वो बोली तब ऐसे तो मैं देना नहीं चाहती, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है किसी को देना इस तरीके का उतारा हुआ, या तो दीजिए नया नहीं तो मत दीजिए। लेकिन बट वो बोली कि नहीं पुराना हो दे दीजिए, वो छोटे छोटे जुग्गी के कैसे नहीं होते हैं उस सबके टेंट टूट के बच्चे, वो सबको चाहिए। तो मैं बोले अच्छा चलो ठीक है भाई दे देती हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं कर रहा था, न्यू देने में अच्छा लगता है पुराना नहीं। तो लेकिन वो बोल रहे थे तो मैं दे दी, और देने आज सुबह सुबह दे के खाली कर दी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पड़ा हुआ था तो स्टोर रूम में ही था रखा हुआ। अभी बच्चों का यहाँ पे कापी किताबें ये सब चीज़ें फैला हुआ है, इसको भी अभी देखते हैं क्या करते हैं। मेरा भी कभी कभी मन करता है लाइब्रेरी रूम बना दो, सारे एल के जी से लेके नाइन जितने भी बुक्स हो सारे सजा दो दिखा दो। तो चलिए देखते हैं, वो भी कभी कभी होगा पूरा। हर चीज़ जब इंसान कोई चीज़ दिल से चाह लेता तो वो ज़रूर होता है, तो मैं भी वही करूँगी, देखती हूँ कब तक साथ नहीं देते हैं भगवान। तो चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि होने लगी बारिश, और मैं आई थी इसे छत पे घूमने मौसम का मज़ा लेने। पहले गेट बंद कर दी क्योंकि आई हूँ, गेट खुला था। ये स्टोर रूम ऊपर का है तो स्टोर रूम में आते ही चलो नीचे क्योंकि आ गए हैं ये गाइस। चलिए अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत दुख रहा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मेरी वीडियो को मुझे। तो मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग के बारे में सोचती हूँ क्या लाऊँ कैसे लूँ आप लोग के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, तब तक।